बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू जेड केसी अपडेट्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जिन्होंने एफआईए में अप्लाई किया है। अगर वो अल्लाह करे सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी। तो लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बात कहूँगा, नए आने वाले स्टूडेंट से ये दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 15वां ग्रेड का, इसकी सैलरी है 90,000। इसके बाद है सब इंस्पेक्टर, ये इसका स्केल है 14वां, इसकी सैलरी है 83,000। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट, इसका स्केल है 14वां, इसकी सैलरी है 83,000। उसके बाद है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, इसकी जो है 11वें स्केल का है, इसकी सैलरी है 70,000। उसके बाद है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 9वें ग्रेड का, इसकी सैलरी है 60,000। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है यूडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 9वें ग्रेड का, इसकी सैलरी है 60,000। उसके बाद है कांस्टेबल 5वें ग्रेड का, इसकी सैलरी है 56,000। उसके बाद है कांस्टेबल ड्राइवर, उसकी सैलरी है 56,000। ठीक है, उसके बाद है नायब कासद, इसकी सैलरी है 45,000। इसका स्केल है एक स्केल है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चले कि एफआईए में कितनी कितनी सैलरी है, क्या प्रोसेस है, कितनी सैलरी हो सकती है किस पोस्ट की, उसके बारे में मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई हो। तो प्लीज़ काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चल सके कि हमारी पोस्ट की कितनी सैलरी है, किस पोस्ट की इतनी सैलरी है और किस की इतनी सैलरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।